मंदिर यहाँ यहाँ जान मुझके मंदिर बनाया गया, ये भूताहा जगह जहाँ गाड़ी अपने आप चलता है। देखो आवाज देखा, गाड़ी अपने आप चलता है, अपना जगह है ये वाला। सब लोग मरे पड़े हालत में है, बहुत सीरियस हालत हो गया है। इसीलिए टनल के बाहर आते ही आपको मंदिर दिखेगा। और हम लोग ये बात कहीं सुने थे तो सोचे आप लोगों के साथ साझा कर। पिछले बार ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने आपको बताया था जैसा हम लोग के साथ हो गया था, तो इसी वजह से हम लोगों को रात में ही निकलना पड़ गया गैंगटॉक के लिए। खैर कोई नहीं, सफर को इंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। और काफी डरावना रोड है यहाँ पे, लिटरली गाड़ी समर्स चला रहा था पर मेरे को आगे बैठ के काफी ज्यादा डर लग रहा था। और हम उसको बार बार ही बोल रहे थे कि भाई धीरे धीरे और आराम से ही गाड़ी चलाया जाए, थोड़ा लेट पहुंचेंगे मंजूर है पर कुछ होना नहीं चाहिए किसी को। तो समर्थ भी काफी सेफ ड्राइव कर रहा था और काफी केयरफुली चला रहा था। देखिए आप लोग कि हम लोग आपको कितना खतरनाक सा टनल और यहाँ पे काफी सारा वारदात हो रखा, तो सोचे कि एक इम्पोर्टेंट सा न्यूज होगा, मतलब बात होगा, इसीलिए आप लोग के साथ साझा किए। आइएगा तो इस बात का ख्याल रखिएगा, इस जगह बहुत आराम से चलाना। बाकी हम लोग कल से ट्रैवल कर ही रहे हैं, आपको दिखाएंगे, दिखाई होगा। भाई साहब यहाँ पे रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा, जाना किधर है। और ये क्या इतनी रात में ये दोनों बंदे यहाँ के पे क्या कर रहे हैं बंजर सी रोड पे, ये बात करने का कोशिश करते हैं। गैंगटॉक सीधे बात करने का कोशिश की और जहां तक लगा कि हॉस्पिटल बोल रहा था, पर उस बंदे को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हॉस्पिटल जाने या उसको कुछ हुआ भी है। इसीलिए हम लोग समझ गए कि गेम प्लान है और यहां से गाड़ी निकल लिए, क्योंकि अननोन शहर है और क्या पता किस प्रकार के लोग मिलेंगे कोई पता नहीं है। और रोड भी बिल्कुल खराब सा है तो गाड़ी भगाना भी काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन इसीलिए हम लोग कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो इसीलिए अपना साइड से निकल गए। और बाइक उसके पास था फिर भी वो लिफ्ट मांग रहा था, तो ये देख के काफी ज्यादा और डर लगा हम लोग को वहां पे। एक तो साला रोड का पता नहीं चल रहा था कि रोड किधर से और किधर से कैसे जाना है, तो इस सिचुएशन से और दिमाग खराब था। और यहाँ पे भी गाड़ी लगा के कुछ बंदे किसी का वेट कर रहे थे, क्या भगवान जाने, तो हम लोग यहाँ से भाग नहीं सेफ समझे। तो शहर में प्रवेश करने के बाद थोड़ा सा दिल को सुकून मिला और लगा कि चलो अब सेफ है और आराम से होटल ढूंढते हैं, पहले कहीं सेफ प्लेस पे गाड़ी खड़ा करते हैं। पर काफी रोचक और रोमांचक सफर रहा ये वाला, काफी मजा भी आया और काफी डर भी लग रहा था कि अननोन जगह पे है। एक चीज तो समझ में आ गया है कि इधर के रोड पे कोई नया आदमी गाड़ी चलाना मतलब उसके लिए एकदम इम्पॉसिबल सा है, इतना टर्न इतना कट और सामने से जो भी गाड़ियां आती है इतना रफ चल के आती है जिसका कोई हिसाब नहीं। हम लोग का एक जगह बाल एक्सीडेंट होते होते बचा, मतलब वहां पे कैमरा ऑन नहीं था, नहीं तो हम आपको दिखाते, एकदम थोड़ा सा के लिए बचा था। तो मंजिल जैसे जैसे करीब आ रहा था दिल में बेचैनी और खुशी उतना ही बढ़ रहा था। टनल का पता है भाई, देखो पहले इतना लंबा और यही वाला है टनल जिसके बारे में हम लोग सुनते आ रहे थे, यही वो टनल है भाई वाला। उसके बारे में वीडियो डिटेल में आप लोग क्लियर अपलोड करेंगे, देखिएगा, लिंक बता देना। हाँ लिंक अपलोड कर दें। मजेदार सा सीन है, गूगल दिखाया 2.5 किलोमीटर शॉर्ट, तो हम लोग गाड़ी चढ़ा दिए और साला इतना चढ़ाई था कि गाड़ी बैक करना पड़ गया, ये मजेदार था। आपको सामने चढ़ाई दिख रहा होगा, देखिए मादरचोद को पूरा पसीना आई आऊ खड़ा था, हीटर ऑन कर दी। आई गांडू भैया को देखिए, सब पंच इस बार का ट्रिप का यही लोग असली एंजॉय कर रहा है। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठ गए, गुड मॉर्निंग हो गया। हेलो हाय, अरे गुड मॉर्निंग, इसका भी गुड मॉर्निंग, इसका भी हो गया, अरे गुड मॉर्निंग प्रिंस। उतार पाइन छो होटल में ही, मतलब शादी में ही ले है, चल होटल खोजे। हे गाइस, हम लोग आ गए हैं, कहाँ
गैंगटॉक पहुंच गए हैं और सुबह के 4:30 बज रहा है और देख सकते हैं कि हमें होटल नाम का कोई चीज नहीं मिल रहा है। सब लोग गाड़ी में ही एडजस्ट किए हुए हैं, सुबह का इंतजार कर रहे कि जल्दी से सुबह हो और अपने इस थकते शरीर को आराम दे। कुत्ता है भाई, उसके पीछे कुतिया है। कसम से काफी थक गए थे, एकदम दिमाग डिस्टर्ब और माथा फ्रस्ट्रेट लग रहा था। किसी से पूछ रहे थे, कोई बताइयो नहीं रहा। सुबह हो गया और सुबह होते होते होटल मिल गया, जहाँ गाड़ी लगाए थे ठीक उसके बगल में ही होटल था, उसी में रूम। तो यही वाला होटल है, हम लोग लिए हैं अभी जस्ट। सुतो ना, सेल्फ मेड कॉफी था, कहे कि चाय इन्हें बहुत बाहियात मिलता है। सब कोई पूरा बिस्कुट उस्कुट पेलने में कस के लगे हुए थे, कहे से कि देखे कि थे रात से ट्रेवल कर रहे थे, कुछ बढ़िया खाए नहीं थे। तो अभी जस्ट एक कॉफी बनाया हम लोग, देख लीजिए कटल का भी अभी नीचे फेंक दिया बुलंद है। अब देखो इसी में बनाया है कॉफी, कहे कि और कुछ करना है कर लीजिए। तो जैसा आप लोग देखे थे कि हम लोग सुबह होटल में चेक इन किए थे, उसके बाद थकावट काफ़ी ज़्यादा था, हम लोग रेस्ट करने के लिए आ गए थे, मतलब रेस्ट कर रहे थे और अभी सो के उठे हैं। तो फ्रेश व्रेश होते हैं सब लोग, अभी प्रिंस गया वॉशरूम, आता है तो उससे एक चीज़ पूछना है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट सा बात है। और जब तक अभी रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा भाई साहब, यहाँ पर टेम्परेचर अभी कुछ 5 डिग्री के अराउंड है। 5 कितने में दिखा तो दिखाते हैं टेम्परेचर कितना है। सोलह कैसे हो सकता है एकदम? हाँ लगता है दोपहर हो गया ना, इसीलिए हो सकता है, पर बहुत ठंड था। रिफ्रेश हो रहा है नेट का इशू है, काहे कि मेरे फोन में 5-6 डिग्री दिखा रहा था। नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, गर्लफ्रेंड की कसम 5-6 डिग्री था यार, झूठ नहीं बोल रहे। लग रहा है क्यों ना, बार बार फोन कर रही है, हमको लगा कि चाहिए होगा कुछ आपको। फोन कर रहे हैं? हाँ ऐसा नहीं, कोई और से बात कर रहा था का? हाँ अरे लोड़ा, अरे लोड़ा, अभी 5 मिनट पहले किससे बात कर रहा था तुम? हाँ बोल ना, वगैरह मालूम है। आपने कॉल की थी? नहीं तो गलत हूँ ना आपसे, कहीं और इंतजाम लगा रहे हैं। लगाना दीजिए। क्या हो गया भाभी, आपका गला बजा बजा लग रहा है? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा तबीयत खराब था। थोड़ा सा खराब था, ठीक कर दे क्या? ये भाई जो तुम कौची लगा दे रहे हो, बात कर रहे थे कौन? वही हमको नहीं पता, देखो ना कॉल की, देखो अभी जस्ट आप ही की तरफ बात कर रहे थे, तुम हमको लगा भाभी से ही बात कर रहे थे। अच्छा दीजिए तो फोन लीजिए। हेलो, क्या बात कर रहे थे जी? अब पूछ ला ना रहो, जब अगले आदमी तेरा कहे थे तो हमारा से कुछ ही पूछे थे। सही से बताओ, आप बताइए क्या बात कर रहे थे? लगता है इन लोग के बीच में झगड़ा तो लग गया होगा, बहुत नौटंकी कर रहे थे। अभी कुछ दिन शांत रहेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, सबको मार उड़ के ठीक कह ले रहा रहे थे। कैसा लगा? बात कर रहे थे गधा वाला पर पागल है। अरे जो भौजी है ना, आवाज में पूरा चेंज लग रहा है। अभी गैंगटॉक में देखो क्या कर रहा है। सिक्किम आए हुए ट्रिप का असली एंजॉयमेंट तो यही कर रहा है, ठंड में शकरकंद पकड़ के वाइफ के साथ मजे से बात कर रहा है। और क्या चाहिए जिंदगी में तुमको? नाम क्या है वो बता दे। क्यों आपके मुंह में कुछ है क्या? बताओ ना भैया, लगा फोन, सब लगा,
सब रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है तो जांच कर ले बेगाना। अभी बलुओ वाला वीडियो भेज दो, भेज। रुक रुक, हेलो, रुक रुक भाई। प्रिंस का ए रुको ना, प्रिंस का ऐसा एक्सपीरियंस था बुआ, इतना ठंडा था बत्ती फिट हो गया। सही बोले थे प्रिंस, बोले तो बिल्कुल सही थे, एकदम ठंडा पानी एकदम मौसम भी। एक बात तो कहीं ना कहीं सही है कि लाख परेशान लाख दुख आए रहे, लेकिन दोस्त यार साथ रहते ना तो सब चीज सही लगता है। बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा था, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे भाई, बहुत ज्यादा। तो आइए दिखाते हैं आपको दार्जिलिंग का फेमस मोमो, राहुल मोमो। यहाँ पे मेरे नाम का तुलसी बोलता है भाई साहब, काफी सुना था गांड फटा हुआ, इसका गांड फटा हुआ, कोई है सीखने वाला तो कांटेक्ट करो, मोबाइल नंबर इतना से इतना। भाई साहब आप ये चेक करो मोमो की क्वालिटी, उसके बाद खा के बताता हूँ कैसा। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो अभी स्टार्ट करूंगा। सुकून के साथ एगो भक्सोद आदमी बीच में बकड़ बकड़ करने का आदत हो गया है। बड़ा ऐसा नीचे बीच देते, ठंडा नहीं है। क्या चाहिए, क्या चाहिए, इनको चाहिए लैंड, अवेलेबल था ना इनको, ठंड में कोई लैंड दे दीजिए, अवेलेबल था ना रे, दे दो मेरे पास। इतना ठंडा ठंडा चाहिए आपको, लीजिएगा गिलास गिलास। ये भाई बोतल सील था रे, पैसा लगे इसका, नहीं तो गांड लेगा। क्या देना उचित समझेगा, पैसा की गांड देना नहीं दिया। जो दे दीजिए ये सब ले लेगा भाई, उचित प्यास कहा है बोला उसको बिगो ना। देख सकते हैं आप, दारू के लिए इंतजाम बैठाया जा रहा है भाई, मतलब क्या ही बताए, इतना पीते नहीं है लेकिन हम लोग को आए हैं तो सोच रहे कि पूरा कोटा कर ले साल भर का। ए लौड़ पानी में गांड फटल है, अच्छा ब्लॉग बनाना है ना, इतना ठंडा पानी छुए ना, ये ठीक बोल रहे अरे हीटर ई वाला चालू, उधर वाला नलवा चालू करेगा ना बेसिनवा का तो गर्म पानी आएगा गीजर ऑन के लिए। चुतिया है ये तो होटल का लगती है 2000 रुपया देके पर हेड गाइस पर हेड। अब देखिए हम लोग गरीब आदमी कौन सा क्वालिटी का माल पी रहे हैं, बहुत सस्ता और बहुत चीज दारू पीते हैं हम लोग, ठंडा गरीब आदमी है। वो वाला चालू कर तो वो लाने वाला मुंह में डाल दे ठंडा ठंडा, ना ना उसको बोल रहा है, किसको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मजा दे रहे हैं गद्दा। देखिए आप लोग काफी ज्यादा इसमें समझ ही रहे होंगे, ऊपर टोपी में डाल देंगे उसका टोपी बाथरूम में, किसका टोपी ये तो डल लेते हैं, हाथ के सने छोड़ दे लेता भाई सही। हाँ निकालो निकालो और समझ आजा आजा, मैंने भी सब दिन का सुन रोल उल लाया था लौड़ा। अब बाघव ये जो पनीर रोल भी दिखा दो भाई, पनीर रोल खोल दो, इसमें एक वैरायटी और हम लोगों ने मंगाया है पनीर रोल, और खा के बताता हूँ यहाँ का टेस्ट कैसा है। टेस्ट खराब रहेगा तो जाकर मैं पनीर तो दूध देना हो ये गोला है छोटा आड़ गो है जी, दो गो है बहनचो, अच्छा काट दो गो है चार गो, देखो रोल चार गो ठीक किया, चार पार्ट में कर दिया, बोल दिया तो ये भी खाते हैं और बताते हैं। दोनों चटनी एक बार काहे निकाल दिए, दोनों सेम चटनी है, अरे तो उस साइड से ले लेगा हम लोग, इस साइड से ले लेंगे तुम भी ना, ग्लास लाओ ग्लास ग्लास ला दिया सर, इस पे पैक बनेगा। सुबह सुबह दारू सुबह नहीं हो रहा भैया, ओ चार बज गया सॉरी, अरे हम लोग के लिए तो सुबह है ना भाई, चार घंटा से उठे हुए सुबह का सब बता दे तू, सब स्कीम यहीं पे बता दे।
मेरे साथ बुखड़ा भी हो रहा है, देख लीजिए आप लोग गाइस 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 बंची तो अब ये खा के सा धैले है कान मरवाएगा फिर भाई बहुत अच्छा एक इसका है एक लाजवाब के चार गो भाई जो बिहार में वो मिलता है सो और जो यहाँ मिलता है सो काफी अलग है दर्द रहा है कहीं दर्द नहीं भाई बहुत तीखा है बहुत इसका एकदम जेनरिक टेस्ट लग रहा है मतलब जेनरिक अरे मतलब ओरिजिनल टेस्ट लग रहा है आप रजनीगंधा खाने वाले ना आदमी है इसी कारण हमने लेकिन हार्ड और लिटिल लिटिल पूछ रहा है गांधी अंकल फोकस रखिएगा ब्लॉग जाएगा आपके घर सरोजनी भाभी के लिंक हम भेज देंगे देख सकते हैं ये पैक राहुल भी और मोहन के लिए बना है ये लोग पहले से दार्जिलिंग में थे और अभी गैंगटॉक में है भाई हम लोग सॉरी गैंगटॉक में थे कितना नंबर है 1 2 3 कितना है भाई तीन नंबर खोला रहा है मोहन और राहुल भी पियेंगे और पीने के बाद हम लोग निकलते हैं कौन रोड एमजी मार्केट हाँ राहुल भी पहले से पी के आए हैं सब पूरा लाल है एमजी मार्केट उसको देखिए उसका आंख देखिए पूरा आंख लाल है भांग पी के आया है एमजी मार्केट में ना गुटखा खाने लाए हुए ना सिगरेट हम लोग आराम से जाएंगे शांति से तो तुम घर में रहना ऐसे कैमरा घुमाई बुखराती की है ठीक है हम घर में कैसे रह सकते आप कहाँ कहाँ जाइएगा आप ही बताइए हम तो घर मारेंगे भाई ब्लॉग में डालना चाहिए भाई ये वाला डालना चाहिए इसका घर मारना हम लोग को रात में की गए हैं मथुला और दारू पी के हैं भर पेट नट्टी तक देखिए आंख देखिए और नशा इसको चढ़ा हुआ है नशा इसको चढ़ा अच्छा अच्छा आई है हम लोग का सन्नी भैया कुछ बोलिएगा कुछ बोलना चाहिएगा छर मुन्ना नहीं चाहिए आइए हमारे गुड्डू भैया गुड्डू भैया मोहन आ जाएगा जो मोहन है इसका आधा कट्टा हाथ हटाओ यार नहीं कैमरा पर पगला हुआ लगा मोहन है आधा कट्टा इसका हम जमीन बेचवाएंगे इसके घर के पीछे वाला और रसियन नचवाएंगे सिल्ली राहुल भैया के मसौरी में जो है 1 बीघा वो बेचवाएंगे और रसियन नचवाएंगे पटना में ठीक है डन फाइनल गुड नाइट पहले तुम नाच लो अभी बाद में बेचेंगे अभी नाचो तुम हम नाच नाच लिए आप तो बिकलब 1 बीघा देख लिया और कुछ सर चलिए इनका डन है 1 बीघा बिकेगा रसियन नचेगा भाई अरे चार को हाईवा इधर भी बेचवा दो इनका भी नहीं बिकेगा इनका भी कुछ नहीं बिकेगा इनका कुछ नहीं बिकेगा 1 बीघा में कुछ नहीं चार को हाईवे बिकेगा बहन जो 100 गो रसियन आएगा इनका जियो तो भेजवा कार्ड रख ले जियो करे देख लीजिए गांधी अंकल आप देखिएगा सरोजनी मम्मी बहुत बढ़िया है यहाँ से तो दिखाना पड़ती 30 किलोमीटर है यहाँ से करंट लोकेशन से 30 किलोमीटर दिखा रहा है तारावीर में तो 30 किलोमीटर हाँ मास्क नीचे करो तो सूरज करो ना हाँ चलते हैं बाहर और घूमते हैं MG Road बोला जा रहा है कि मार्केट प्लेस है देखा जाए सिक्किम का बहुत ही फेमस तो धन्यवाद और माफ कीजिएगा कहीं कोई गलती हुआ होगा तो और वीडियो शेयर कीजिएगा प्लीज